दृष्टि आई के टूडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न से हमने पूछा था नेचर 2030 कार्यक्रम किससे संबंधित है आपको ऑप्शन दिए गए थे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यू वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर विश्व आर्थिक मंच या फिर प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी आई आप में से कई सारे व्यूवर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी आयु प्रकृति के संरक्षण के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी आयु सरकार और नागरिक समाज संगठनों का एक सदस्यता संघ है वर्ष 1948 में बना आयु दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे विविध पर्यावरण नेटवर्क है मार्सिले में आयोजित आयु विश्व संरक्षण कांग्रेस में नेचर 2030 कार्यक्रम को अपनाया गया इसलिए विकल्प डी सही है यह कार्यक्रम 10 वर्षों की अपनी महत्वाकांक्षा को निर्धारित करता है यह आयु के सदस्यों आयोगों और सचिवालय को एकजुट करने का एक माध्यम है यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्वेंटी एजेंडा के अनुरूप है तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी आयु चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन के पहले प्रश्न की तो प्रश्न है हाल ही में किस मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किए हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय या फिर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हाल ही में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 प्रकाशित किए हैं इसलिए विकल्प डी सही है इन्हें अपशिष्ट बैटरियों का पर्यावरण की दृष्टि से ठोस प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है ये नए नियम बैटरी प्रबंधन और हैंडलिंग नियम दो का स्थान लेंगे ये सभी प्रकार की बैटरियों को कवर करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी पोर्टेबल बैटरी ऑटोमोटिव बैटरी और औद्योगिक बैटरी आदि यह विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी ईपीआर की अवधारणा के आधार पर काम करते हैं यह नियम अपशिष्ट बैटरियों के संग्रह एवं पुनर्चक्रण या फिर नवीनीकरण में नए उद्योगों और उद्यमिता की स्थापना को बढ़ावा देते हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आधारित टोलिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया भारत स्वीडन डेनमार्क या फिर नॉर्वे इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत भारत में टोल आधारित ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीएनएसएस पर एक दिवसीय हितधारक परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया गया इसलिए विकल्प ए सही है इसका आयोजन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किया था इस कार्यशाला का उद्देश्य विभिन्न उद्योग विशेषज्ञों एवं हितधारकों से जीएनएसएस आधारित टोलिंग प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर इनपुट और सुझाव प्राप्त करना था इससे जीएनएसएस तकनीक पर आधारित प्री फ्लो टोलिंग सिस्टम हेतु रोड मैप को डिजाइन करने में मदद मिलेगी तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए भारत अगला प्रश्न है गगन प्रणाली को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण यानी ए और किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है डी इसरो सी या फिर भारतीय वायुसेना इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इसरो चलिए इसके विश्लेषण को देख लेते हैं हाल ही में सरकार ने भारत में बोइंग 787 विमानों को दिसंबर 2025 तक स्वदेशी रूप से विकसित गगन यानी जी पी एस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन प्रणाली का अनुपालन करने से छूट दी है गगन एक भारतीय उपग्रह आधारित प्रणाली है जिसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण यानी ए और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है इसलिए विकल्प भी सही है यह उन हवाई अड्डों पर निर्देशित लैंडिंग के साथ विमानों की सहायता करता है जिनमें कम दृष्टा संचालन के लिए उपकरण लैंडिंग सिस्टम नहीं है विश्व में केवल अन्य तीन देशों के पास अंतरिक्ष आधारित ऑगमेंटेड सिस्टम उपलब्ध है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी इसरो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वहल शार्क बचाओ अभियान का हिस्सा नहीं है कर्नाटक केरल लक्षद्वीप या फिर तमिलनाडु इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु भारतीय वन्यजीव जीव ट्रस्ट 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वहल शार्क दिवस के अवसर पर कर्नाटक केरल और लक्षद्वीप में वहल शार्क बचाव अभियान शुरू करेगा इसलिए विकल्प डी सही है वहल शार्क यानी राइनकोडन टाइपस पृथ्वी पर सबसे बड़ी मछली है और समुद्री इकोसिस्टम में एक की स्टोन प्रजाति है इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम उन्नीस में अनुसूची एक के तहत उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त है इस अभियान का उद्देश्य वहल शार्क के संरक्षण पर जागरूकता के लिए समुद्री मछुआरे लोगों ग्रामीण समुदायों और छात्रों को जोड़ना है तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी तमिलनाडु अगला प्रश्न है बर्नम प्रभाव को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है पोरर प्रभाव पोन्टिंग प्रभाव डेविड प्रभाव या फिर ग्रीन प्रभाव इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए फोरर प्रभाव मनोविज्ञान में बर्ना प्रभाव का अर्थ यह महसूस करना है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरों की तुलना में विशेष रूप से उसी व्यक्ति पर लागू होता है इसका नाम 19वीं सदी के अमेरिकी शोमैन पीटी बर्नम के नाम पर पड़ा है इसे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बर्ट्रम आर फोरर के नाम पर फोरर प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है इसलिए विकल्प ए सही है तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए प्रभाव। अगला प्रश्न है भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी सर्ट इन कब से कार्य कर रहा है 2001, 2002, 2003 या फिर 2004। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2004 हाल ही में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल यानी सर्ट इन ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डिफेंडर वी एम वेयर टूल्स और गिटलैब में कमजोरियों के लिए अलर्ट जारी किया सर्ट इन कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है यह एजेंसी जनवरी 2004 से कार्यरत है इसलिए विकल्प डी सही है यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 2004। अगला प्रश्न है पर्सियस क्या है एक क्षुद्र ग्रह एक नोवा एक ट्रोजन या फिर एक गैलेक्सी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक गैलेक्सी चलिए इसके विश्लेषण को देखते हैं नासा ने ब्लैक होल की ध्वनि को सुनने के लिए एक सोनिफिकेशन बनाया है पर्सियस गैलेक्सी क्लस्टर के केंद्र में मौजूद ब्लैक होल लंबे समय से ध्वनि से जुड़ा हुआ है इसलिए विकल्प डी सही है वर्ष 2003 में खगोलविदों ने पाया कि इस ब्लैक होल द्वारा तरंगे भेजी जाती है अब इन तरंगों का अनुवाद होने के अलावा इन्हें कोई भी सुन सकता है सोनिफिकेशन में खगोली डेटा का ध्वनि में अनुवाद होता है यह सोनिफिकेशन नासा के चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी के डेटा में खोजी गई वास्तविक ध्वनि तरंगों का भी अनुवाद करता है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी एक गैलेक्सी अगला प्रश्न है अर्थगंगा की अवधारणा को राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक के दौरान पेश किया गया था यह बैठक कहाँ आयोजित हुई थी नई दिल्ली हरिद्वार कोलकाता या फिर कानपुर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कानपुर हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक ने स्टॉकहोम विश्व जल सप्ताह 2022 में अपने आभाषी भाषण के दौरान अर्थ गंगा मॉडल पर बात की भारत के प्रधानमंत्री ने पहली बार 2019 में कानपुर में पहली राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक के दौरान इस अवधारणा को पेश किया था इसलिए विकल्प डी सही है अर्थगंगा के तहत सरकार छह कार्य क्षेत्रों काम कर रही है इनमें से एक जीरो बजट प्राकृतिक खेती है जिसमें नदी के दोनों ओर 10 किलोमीटर पर रसायन मुक्त खेती शामिल है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी कानपुर अगला प्रश्न है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत उर्वरकों के लिए सामान्य ब्रांड का क्या नाम है कृषि अमृत भारत या फिर स्वर्णिम इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने घोषणा की है कि देश भर में वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है उक्त उर्वरक बोरियों पर उर्वरक सब्सिडी योजना का नाम यानी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना दर्शाने वाला एक लोगो प्रयोग किया जाएगा कंपनियों को अपने बैग के अलावा एक तिहाई स्थान पर अपना नाम ब्रांड लोगो और अन्य उत्पाद जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति है शेष दो तिहाई स्थान पर भारत ब्रांड और प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक योजना का लोगो दिखाना होगा इसलिए विकल्प सी सही है इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत अगला प्रश्न है दीर अल्जौर किस देश में स्थित है यूक्रेन रूस अर्मेनिया या फिर सीरिया इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सीरिया हाल ही में पूर्वी सीरिया में अमेरिकी सैन्य हवाई हमले ईरान समर्थित मिलीशिया के लिए एक संदेश थे अमेरिकी सैनिकों और पेंटांगन के अनुसार इन मिलीशिया ने पिछले एक साल में कई बार अमेरिका को निशाना बनाया अमेरिकी रॉकेट ग्रीन विलेज और दिल अरजोर में कोनोको गैस फील्ड के पास टकराए आपको बता दें दिल अल्जोर एक रणनीतिक सीरियाई क्षेत्र है इसलिए विकल्प डी सही है ईरान समर्थित मिलिशिया समूह और सीरियाई बल इस क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी सीरिया तो आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में चर्चित ए आर थ्री जीरो एट फाइव क्या है पौधे की एक नई प्रजाति शूद्र ग्रह एक्सो प्लेनेट या फिर सनस्पॉट तो व्यूअर्स इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूले ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ तब तक के लिए शुक्रिया